हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है गोडाउन वायरिंग, यानी कि टनल वायरिंग। टनल वायरिंग यानी कि हम लोग आगे आगे जाते जाएंगे, लाइट जलाएंगे, फिर आगे का स्विच पे लाइट, आगे का स्विच पे दबाएंगे, फिर पीछे का लाइट बंद होगा, आगे का लाइट जलेगा। इसको बोलता है टनल वायरिंग और गोडाउन वायरिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे देख सकते हैं लोग, ये हमारा एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, चार लाइट है, और ये हमारा स्विच, वन वे स्विच, टू वे स्विच, टू वे स्विच, टू वे स्विच। इसके लिए यही चाहिए। आप आगे भी ऐसे सेम सेम जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग बस चार स्विच और चार लाइट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, पहले पूरा लाइट पे लूप दे देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो हमको नहीं चाहिए स्विच में, इसलिए पूरा लाइट पे न्यूट्रल लूप दे देते हैं। न्यूट्रल हो गया। अभी मेन है हमारा ये स्विच, कि एक लाइट इधर का स्विच दबा के लाइट जलेगा, फिर इधर का स्विच दबाएगा तो वो लाइट बंद होगा, ये लाइट जलेगा, क्योंकि हम लोग आगे आगे जाएगा टनल में। तो ये सेम, तभी जो है हमारा ये फेज है, ये फेज को हम क्या करेंगे, इधर दे देंगे। फिर इधर से जो है उसको हम क्या करेंगे, इधर का सेंटर में दे देंगे। ठीक, बाद में फिर इधर से स्विच स्विच लूप है ऐसा, फिर इधर से सेंटर में दे देंगे, फिर इधर से सेंटर में दे देंगे। ये हमारा हो गया एल वन, ये हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया हमारा एल टू। कुछ इसी तरीका से टू वे स्विच में होता है। अब बचा लाइट का, तो क्या करेंगे, इसको देंगे ऐसे लाइट में इधर से, फिर इधर से इसको इस लाइट में देंगे, फिर इधर से इसको इस लाइट में देंगे। ठीक है, और ये जो है फिर इधर से क्या करेंगे, इसको इस लाइट में देंगे। अगर इसको अभी और आगे बढ़ाना है, आगे तक बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, सेम सेम आगे एक और टू वे स्विच देंगे, इधर से वो सेंटर में कॉमन में जो लूप देंगे, ऐसे करके आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। तो ये हुआ हमारा एक तरीका, कुछ इस तरीके से होगा। जैसे अभी हम इधर स्विच दबाएंगे तो इसका नॉर्मल पोजीशन तो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी ये स्विच दबाएंगे तो इधर से करंट फ्लो होके इसका स्विच, कुछ इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से। तो ये तो अभी नॉर्मल में इधर टच होके रहेगा, ऐसे टच होके, और ये अभी छूटा रहेगा। तो इधर से अभी इसका जो स्विच है, इसको स्विच हम दबा देंगे तो दोनों कॉन्टेक्ट हो जाएगा, दोनों पॉइंट इसका, तो क्या होगा, करंट इधर से फ्लो होके, इधर से फ्लो होके, इधर फ्लो हो गया, बाद में देखो इधर पावर आया, यानी ये स्विच दबाया तो स्विच तो अभी नॉर्मल पोजीशन में है, ये स्विच दबाया तो क्या हुआ, इधर से पावर होके ये लाइट जला हमारा। फिर क्या करेंगे, इससे ये स्विच भी सेम होता है ऐसे नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में ऐसे टच होके रहेगा, इधर का छूटा है, इधर का टच है, टच है। फिर अब जब हम आगे आएंगे तो इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा छूट के इधर से इस पे टच होगा, इस पे टच होगा, यानी इधर से पावर इसका होके इधर से इस पे आएगा, यानी वो स्विच का हमारा इधर से तो छूट गया, तो वो स्विच, वो लाइट क्या होगा, बंद हो जाएगा और ये लाइट हमारा इधर चालू होगा। सेम फिर हम इधर आएंगे, फिर ये स्विच नीचे की तरफ जब आएंगे, ये टच होगा, ये कॉन्टेक्ट, और इधर का ये छूट जाएगा, ये टू वे स्विच का अंदर ऐसा कनेक्शन होता है, ये अभी ऊपर का टच है नॉर्मल पोजिशन में। फिर इधर आगे आएंगे, फिर इसका नीचे तरफ जब आएंगे तो यानी हमारा पावर ऐसे ऐसे हो के ये लाइट जलेगा। फिर हम वापस जाएंगे तो स्विच को ऊपर की तरफ जब आएंगे तो इसका एक कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, एक कॉन्टेक्ट जुड़ेगा, यानी ये लाइट जलेगा। फिर इधर आएंगे, फिर ऊपर की तरफ दबाएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग गया तो नीचे की तरफ दबा के गया, तो सेम यही प्रोसेसर है। और एक दूसरा और तरीका है, तभी मैं आप लोग को तरीका बताएंगे। जैसे इसमें हमारा बस टू वे स्विच ही लेना है, तो ये हो गया हमारा एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, चार लाइट। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेज हो गया, क्या करेंगे, इसमें दोनों चाहिए, न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए। इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल ऊपर ऊपर पूरा को क्या करना है, लूप करना है, पूरा न्यूट्रल न्यूट्रल ऊपर और फेज फेज हमारा नीचे, पूरा को लूप कर दिया। अभी क्या करना है, इधर से ऐसे उठा के एक कॉमन में से लाइट में देना है, फिर इधर से ऐसे लाइट में देना है। हमारा लाइट में आ गया दो पॉइंट, हमारा लाइट में आ गया अभी दो पॉइंट हमारा लाइट में। फिर इधर से एक ऐसे उठा के
ऐसे देना है लाइट में। फिर ये दूसरा स्विच का जो है कॉमन में से, फिर इसको ऐसे उठा के ऐसे देना है। ये लाइट में भी हमारा दो पॉइंट बराबर आ गया। फिर इधर से इसको ऐसे उठा के ऐसे देना है, फिर इसमें से इसको ऐसे देना है, ठीक। और अब भी हमारा जो लास्ट है, लास्ट को क्या करेंगे, इधर से ऐसे देंगे और फिर इधर तो एक और पॉइंट चाहिए, फिर क्या करेंगे ऊपर से उठा के इसको ऐसे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा बस कनेक्शन, कुछ इस तरीका से कनेक्शन होता है। तो इसका कैसे लाइट कैसे चलता है, तो अभी इसका ये सवाल है। तो हमारा स्विच तो नॉर्मल में क्या रहता है, सेम सेम ऐसे रहता है, अभी ये टच होके है जैसे, और ये छूटा है, ठीक। लेकिन इधर भी तो सेम ही है है ना। जैसे हम क्या करेंगे, तो ये तो ऐसे अभी टच होके है, और ये भी नॉर्मल में है, ये भी अभी ऊपर नॉर्मल में ही टच होके है। दोनों जगह पे लाइट का एक पावर किधर से जा रहा है, इधर से, और एक इधर से। तो अभी देखो, ये भी इधर नॉर्मल पे ही टच, न्यूट्रल पे ही टच हुआ है, और इसका भी न्यूट्रल पे टच है, यानी कि अभी दोनों पॉइंट इसमें जो जा रहा है न्यूट्रल है, तो ये लाइट नहीं जलेगा। और हम इसको जैसे ही नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, ये छूट के न्यूट्रल से फेस पे टच हो जाएगा। तो क्या होगा, अभी हमारा फेस पे टच हो गया, तो इधर से इसका फेस जा रहा है, और ये अभी ऊपर टच है, तो इधर से इसका न्यूट्रल जा रहा है। लाइट का हमारा कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल फेस दोनों। तो इस तरीके से लाइट जलेगा। सेम प्रोसेस इसको भी, स्विच को ऐसे ही करेंगे, इसको भी अभी तो ये क्या है, न्यूट्रल के साथ टच है। फिर इधर आएंगे, स्विच को नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल से छोड़ के इसका कॉन्टेक्ट फेस के साथ हो जाएगा। और इधर से तो ऑलरेडी ये नॉर्मल पोजिशन में स्विच तो ऑलरेडी ऐसा है, ये न्यूट्रल के साथ अभी टच होके है। हाँ, तो क्या होगा, इधर से फिर उसका वो टच है, और इधर से हमने स्विच दबा दिया, फेस पे टच कर दिया, तो इस तरीके से ये भी जल गया। तो इसका सेम प्रोसेसर यही है, कुछ इसी तरीका से। ये दो तरीका है टनल्स का वायरिंग करने का, गोडाउन का वायरिंग करने का, कुछ इसी तरीका से टनल का वायरिंग होता है। फ्रेंड्स, चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे, लाइक और कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। और देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।